राजधानी लखनऊ क्षेत्र के ग्राम सभा हरौनी में झाड़ेश्वर महादेव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि इस क्षेत्र का पुराना और भव्य मंदिर है, जहां श्री झाड़ेश्वर शिवलिंग की स्थापना स्वर्गीय ठाकुर देवी बख्श सिंह के परिवार द्वारा की गई थी। यह कार्यक्रम ग्राम प्रधान व कमेटी के अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया है। इस कार्यक्रम में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह व वीरेंद्र तिवारी, कुंवर राजेंद्र सिंह और राजू ने भाग लिया। श्री झाड़ेश्वर महादेव मंदिर में भंडारे के आयोजन में पूर्व छात्र नेता हरिशंकर सिंह चौहान, धनु सिंह, बब्बू सिंह, ब्रजेश सिंह, अजीत सिंह सहित अन्य सम्मानित व बड़ी मात्रा में भक्तगण मौजूद रहे। भक्तों ने महादेव मंदिर की परिक्रमा की और प्रसाद के रूप में भंडारा भी ग्रहण किया। वही वर्तमान प्रधान तथा कमेटी के अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने पूछने पर बताया कि श्री झाड़ेश्वर महादेव मंदिर का सुंदरीकरण किया गया है, साथ ही आसपास चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखने की व्यवस्था की जा रही है। यह तभी संभव हो पाया है जब क्षेत्र में सभी लोगों ने मिलकर अपनी इच्छा अनुसार धनराशि देकर सहयोग किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह से पूछने पर बताया कि श्री झाड़ेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही पुराना है, यहाँ पर लोग आस्था के साथ आते हैं और पूजा पाठ के साथ साथ हवन भी करते हैं। यहाँ जल्द ही महिला घाट के निर्माण में सहयोग करेंगे। देखते रहिए हर छोटी बड़ी खबर, ब्यूरो चीफ नितिन पटेल के साथ। यहाँ जो भंडारा चल रहा है, ये क्या किस टाइम से चलता है? हर 5 साल बाद यहाँ यज्ञ होता है, उसके बाद भंडारा किया जाता है। तो भंडारा में क्या क्या जो है खाने पीने का क्या व्यवस्था की जाती है? भंडारे में पूरी, सब्जी, बूंदी, चावल, ये सभी नागरिकों को यहाँ दिया जाता है। ये जो भंडारा शुरू हुआ है, उससे एक दिन पहले यज्ञ का समापन हुआ है या आज समापन होता है? उसके बाद 500 कन्याओं का भोजन होता है, उसके बाद फिर भंडारा शुरू होता है। जो है झाड़ेश्वर महादेव मंदिर पर चल, ये बहुत दिनों से पुरानी प्रथा चालू है और उसको यहाँ के ग्राम प्रधान, उनके बड़े भाई राजेश सिंह, ब्रजेश सिंह द्वारा आयोजित होता है, जिसमें संपूर्ण अगल बगल के लोग सहयोग होता है, पूरे गांव का सहयोग होता है, जिससे भंडारा बहुत दिनों से हर तरह चलता चला रहा है। तो यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर से आते हैं, तो बताइए कितने दर्शनाभिलाषी कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ आप ये मान चलिए कम से कम 20 किलोमीटर या लोग यहाँ चारों तरफ से आते हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, बंथरा सरोजी नगर से लोग भी आते हैं, इधर मोहान तक के लोग भी आते हैं, इधर अमावा, भदोही, मवई, सारे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। यहाँ की आस्था क्या है? यहाँ की आस्था है ये झाड़ेश्वर मंदिर, श्री झाड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर। यहाँ बहुत ही अत्यंत प्राचीनतम मंदिरों में मंदिर है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। सई नदी के तट पर स्थित है। किंवदंती है कि महाराजा दशरथ जी ने इसकी स्थापना की थी। अभी हम लोग को कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन जो किंवदंती चली आ रही है, ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है और कई पीढ़ियों सुनते चले आ रहे हैं कि बहुत प्राचीन मंदिर है। इसकी क्या उम्र होगी ये हम लोग ज्ञात नहीं। इसका संदेश है और बाबा झाड़ेश्वर नाथ जी का यहाँ जो मंदिर है और यहाँ के जो लोगों की मान्यता है कि बाबा के पास जो भी आया उसकी सभी मंशा पूरी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे भी जीवन के लिए सौभाग्य का क्षण है कि हम बाबा के दर्शन कर पाए और इस यज्ञशाला में, आयोजित यज्ञशाला में भाग ले सके। और हमारे गुरुजन वृंद जो यहाँ पर थे, उनसे आशीर्वाद भी हम लोगों ने प्राप्त किया है। राजेश जी ने इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया और इन्होंने कहा था मुझको कि आपको आना है, तो जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक कोई आ नहीं सकता है। तो बाबा की कृपा हुई और मैं आपके बीच में हूँ। मेरी ये मान्यता है कि अगर बाबा है तो सब कुछ है, बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग जो कुछ भी वो सब बाबा की। सर, उत्तर प्रदेश सरकार से आप आज जो है प्रधानमंत्री जी यहाँ पर भंडारा में उपस्थित हुई है, क्या योगी राज जी का भी आने का संभावना था? देखिए, मेरे लिए कहा गया था मैं उपस्थित हूँ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में ही हूँ। हमारे मुख्यमंत्री है, मैं उनके कैबिनेट का मंत्री हूँ और कैबिनेट का कोई भी मंत्री अगर उपस्थित होता तो संपूर्ण सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। और दूसरा, ये हरौनी गांव और ये पूरा इलाका मेरा परिवार है। हम अपने परिवार में आए हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। यज्ञ के साथ साथ बड़ी बात है कि हमारा सबका एक दूसरे से लगाव है, मित्रता है, बरसों पुराना संबंध है और मुझको यहाँ आकर के बहुत बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हमारा पूरा क्षेत्र ऐसे हंसता रहे, मुस्कुराता रहे और इसी तरीके से बाबा के यज्ञ का आयोजन होता रहे और हम सब लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। जी राजेश जी, आपकी भी चर्चा बहुत हुई है और यह झाड़ेश्वर महादेव मंदिर को बनाने में और इसके सजाने में बहुत योगदान रहा है आपका, तो इस पर प्रकाश डालिए। झाड़ेश्वर महादेव मंदिर कैसे स्थापना बनाने में मेरा नहीं रहा है,
यहाँ हमारे पूर्वज बताते हैं कि बगल का एक गांव है लतीफ नगर, वहाँ एक माखन तमोली रहते थे, उनके पास खाने कुछ नहीं थे, तो यहाँ बहुत घना जंगल था। उस समय के जस्टिस बी के सिंह के पिताजी के पिताजी के पिताजी जमींदार सुरपाल सिंह जी के पास आए, उन्होंने कहा कि जो आपको यहाँ शिव मंदिर है उसमें शिवरात्रि में मेला लगता है, मेरे को आदेश हुआ है कि यहाँ मंदिर बनाइए। तो मेरे पास तो खाने का पैसा नहीं, लेकिन स्वप्न में मैंने देखा है कि हमारे पास धन है, मैं कहाँ देखें कहाँ जहाँ सोते हैं वहीं देखे। तो गए अपना जो है वहाँ खुदाई किए, उनको जो है एक घड़े में जो है सोने की गिन्नियाँ प्राप्त हुई, वो लेके यहाँ पे आए थे। फिर वो सुरपाल सिंह जी की देख रेख में इस मंदिर का निर्माण 180 साल पहले हुआ था, और यहाँ पे मठिया थी जो एक नया निर्माण है। ये हम 20 साल में जो जितना हमसे बन पड़ा है, समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से मांग जाँच के मैंने पूरा किया है, सहयोग मिला है इस महादेव मंदिर में। हमको तो हर प्रकार सहयोग मिलता है, हमारे भाई भी हम साथ काम भी किए हैं, तो आज से नहीं, जैसे भैया बता रहे थे, मैं 95 में जिला पंचायत सदस्य का 7400 से चुनाव जीता था, भैया के हमारे उससे पहले के संबंध में, घरेलू संबंध में, मैं प्रतापगढ़ जाता हूँ, भैया हम नहीं आते। अभी आपने मैंने जैसे ही कहा, उन्होंने कहा लिख के दे दीजिए महिलाओं को, जो घाट है वो तत्काल जो है सबसे पहले जो है आप प्रधान बनवा दें, आप जितनी जल्दी लिख के देंगे उतनी जल्दी हम आदेश करके स्कूल से रोड हम कहते हैं डब्बू से ग्राम प्रधान। यहाँ पर जो झाड़ेश्वर महादेव मंदिर बना, इसका नाम कैसे पड़ा बारे में बताएं। ये बहुत पुराना नाम है, सुनते चले आए नाम झाड़ेश्वर मंदिर है, राजा दशरथ की स्थापना किया हुआ मंदिर, क्योंकि सुने में आया है कि चूंकि झाड़ बहुत था, लिंग निकला था, हाँ, तो उसी के आधार पर पड़ा, उसी आधार पे खोदा गया, लिंग बड़ी होती चली गई तो ज्यादा बड़ी हो गई, तो निकाले लेने के लिए तो मंदिर बन गया।